हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल श्रीराम इलेक्ट्रिक दौलतपुरा। आज मैं आपको बताऊंगा टावर फैन का जो सेकंड वायरिंग है वो किस तरह से होता है। देखो, मैं ये कोइल बिठा रहा हूँ, इसका सिरा है वो लेफ्ट साइड में है। चार कोइल बिठानी है आपको और ये सेपरेट वायरिंग में आएगा। और इसकी पीस रहेगी 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में 1 राउंड लगाना है और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। ये टावर फैन को रिवाइंडिंग करना बहुत ही आसान है। मैंने इसका जो पहला पार्ट डाला था वो रनिंग वायरिंग का था और ये स्टार्टिंग वायरिंग का है। मैंने ये डेटा पूरी तरह से निकाला है जिससे ये टावर फैन गर्म नहीं होगा और अच्छे से वर्क करेगी ये मोटर। मैं आपके लिए सभी मोटर के डेटा बताने वाला हूँ, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी तार बैठ जाएंगे आसानी से। थोड़ी देर लगेगी लेकिन बैठ जाएगी। कोयल को किस तरह से मोड़ कर बिठाना है आपको दूसरे राउंड में, 2 राउंड लगाना है। देखो, इस तरह से टर्न लगाकर 1 से 6 के पीस में डालना है। जो हमारा बाजू वाला स्लॉट दोनों एक एक साइड खाली है वहाँ डालना है। देखो, ये कंप्लीट हो गया। वही पीस में अब दोबारा इस तरह मोड़ कर डालना है। आपका ज़्यादा वक्त ना लगे इसलिए मैं स्पीड बढ़ाकर कोइल को बिठा रहा हूँ। देखो, एक कोइल हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कोइल हम बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे वो देखना है आपको। जो दूसरे कोइल के अटैच में वायर है वो राइट साइड में है। अब उसे फिर से राइट साइड में चला जाए, इस तरह बिठाना है। देखो, तो पहले कोयल का सिरा है वो दूसरे कोयल के राइट साइड में है और जो तीसरे कोयल का सिरा निकल कर आया है वो लेफ्ट साइड में निकल कर आया है। अच्छे से आप एक बार समझ लिए तो ये टावर फैन वाइंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इस मोटर के स्टार्टिंग वायरिंग में एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया है। इसका गेज है 30 नंबर और रनिंग में हमने डाला था 29 नंबर। स्टार्टिंग में 30 नंबर हमने डाला है एल्यूमिनियम का और इसका टर्न रहेगा 150।
दोनों का टर्न सेम ही रहता है, रनिंग का और स्टार्टिंग का। रनिंग में 29 नंबर का वायर यूज़ किया था और इसमें हमने टर्न डाले थे 150। देखो ये हमारी दूसरी कोइल कंप्लीट हो गई। देखो ये लेफ्ट का सिरा है, वो अब लेफ्ट में चला जाएगा। आपको ये तीसरी कोयल डालो तब अच्छे से ख्याल रखना है। देखो ये किस तरह से जाता है वायर। देखो ये लेफ्ट का सिरा है, वो लेफ्ट में चला गया और जो चौथी कोयल का सिरा निकल कर आएगा वो राइट साइड में निकल कर आएगा। बस आपको यही समझना है, अगर गलती से आपने ये सिरा राइट में डाल दिया तो ये मोटर जल जाएगी। आप जो भी सालसर कोयल का सीट डालते हैं वहाँ आपको तीसरी कोयल में बहुत ही ख्याल रख कर डालना है, क्योंकि आपका आरटी जो उल्टी हो गई तो आपका मोटर जलने का पूरा चांसेस रहेगा। ये कोयल डालना थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है आपको। आपको थोड़ा थोड़ा तार करके डाल देना है। ये कोयल सब टाइटिंग रहे टाइट रहेगी इसलिए डालने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो इस तरह घुमाकर डालना है। आपको एक बार समझ लेना है, सभी कोयल में इसी प्रकार डालना है। बहुत वीडिया लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाकर कोयल को डालना स्टार्ट किया है, वरना आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए आधा घंटा तक रुकना पड़ता वीडियो पे। मैंने ये छोटा कर दिया वीडियो ताकि आपको जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बता सकूं। देखो ये अब किस तरह से डालना है चौथी कोयल, वो आपको देखना है। देखो ये हमारे राइट का सिरा है, वो फिर से राइट में चला जाएगा और जो आखिरी का सिरा है वो लेफ्ट साइड में निकल कर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको पूरे मोटर रिवाइंडिंग करना आ जाएगा। हमारा जो सेपरेट वायरिंग बिठाना है उसमें थोड़ी देर लगती है बिठाने में, एक से चार के पीस में, एक से छः के पीस में तो आसानी से बैठ जाता है। आपको ख्याल रखना है कि स्लॉट में डालते वक्त कोई भी कोयल का तार टूट न जाए। क्योंकि एल्यूमिनियम का वायर है टूट गया तो इसका सोल्डरिंग भी नहीं होगा। देखो ये हमारी आखिरी कोयल
कैसे डाली जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको मेरा वीडियो आगे भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंचता रहे। देखो ये मोटर हमारी हो गई कंप्लीट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।